को दे दें कि नवाब मलिक को ईडी रिमांड पर भेजा गया है। 8 दिन का रिमांड ईडी को मिल गया है। आज सुबह से बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में पहले सुबह 7 बजे के करीब नवाब मलिक से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं वो जब गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तारी हो गई थी नवाब मलिक की, लेकिन इस समय यह खबर आ रही है कि 8 दिन की ईडी रिमांड मंजूर हो गई है। ईडी को 8 दिनों के लिए रिमांड पर नवाब मलिक मिलेंगे जब पूछताछ होगी इस पूरे मामले की और कड़ियां इस समय खुलेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख और जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुस्तफा बताएं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कोरोना की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जिसमें दाऊद के कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं और पूरे मामले की जब 2 से 3 घंटों तक सुनवाई हुई उसके बाद पीएमएलए कोर्ट जो है उसने ये डिसाइड किया है कि 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में भेजा जाएगा ताकि ईडी इस पूरे मामले की ज्यादा जांच कर सके। हालांकि बचाव पक्ष के वकील का ये कहना था कि मलिक ने जो भी ये ट्रांजेक्शन किए हैं वो 1999 में किए हैं जब ये पीएमएल एक्ट था भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने जो तक उसके सामने ईडी द्वारा रखे गए थे उसे मानते हुए जो ईडी की कस्टडी है वो 3 मार्च तक नवाब मलिक को दी है। बड़ी खबर इस समय की 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में नवाब मलिक को भेज दिया गया है। 2 घंटे की जिरह मुस्तफा बता रहे हैं कि उस समय की गई और उसके आधार पर यह तय किया गया कि 8 दिन के लिए अब आगे रिमांड पर नवाब मलिक ईडी के रहेंगे। मुस्तफा, इस सब के बीच जिस तरह से हम दिन से देख रहे हैं एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अब जाकर थोड़ा ठंडा पड़ा है या अभी हम समझें कि जो राजनीतिक लड़ाई छिड़ी है इस मामले पर वो जारी ही है सड़कों पर? जी बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि ये अरेस्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में लेकर आ सकता है, जिसे जब से ये गिरफ्तारी की अनाउंसमेंट हुई है हम देख रहे हैं शरद पवार ने मीटिंग ली, उसके बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का रेजिग्नेशन मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, यानी कि नवाब मलिक ऐसे एक मंत्री होंगे जो कि कैबिनेट में होने के बावजूद जेल में है और उसके बाद भी वो मंत्री रहेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक फैसला कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी बंगाल में इस मामले को चर्चा करके ये फैसला लिया गया है। तो इस पूरे मामले को आप कह सकते हैं कि राजनीतिक टूल भी दिया जा रहा है। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है इस मामले को बदले की कार्रवाई के तौर पर बता रही है। अब देखना ही होगा कि ईडी की जांच में क्या सामने आता है, लेकिन ये बात तो सही है कि राजनीति जो है इस मामले पर खूब होने वाली है। इसके बीजेपी ने ट्विटर और प्रोटेस्ट के जरिए कहना शुरू कर दिया है कि नवाब मलिक डी कंपनी से रिलेटेड है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन महाविकास आघाड़ी का बार बार सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है, यानी 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर नवाब मलिक।